दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है जून 2014 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 40 तक हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। भारत में दुर्लभता की राजनीति के बारे में निम्नलिखित में से किसने बात की है? दुर्लभता की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी, पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी की बात की है मायरन वीनर ने। मायरन वीनर क्या बोलते हैं कि भारत के अंदर क्या है, प्रेशर ग्रुप हावी हो जाते हैं राजनीतिक दलों के ऊपर, जिसके कारण वो अपने जो पॉलिसीज है उसको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में यह निर्णय किया कि मंत्रिमंडल में सदन के विश्वास का स्वयं सदन के पटल पर ही परीक्षण करना चाहिए? ये निर्णय लिया है एस आर बम्बई बनाम भारत संघ में, ठीक है, एस आर बम्बई बनाम भारत संघ में। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान के भिन्न भाग एक दूसरे पर क्रिया और प्रतिक्रिया करेंगे और सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी स्थिति से उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का निर्णय करना होगा, अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए करना होगा, जैसा कि शायद किसी अन्य न्यायालय को अभी तक करने के लिए नहीं कहा गया है। ये कथन किसका है? दोस्तों ये कथन है न्यायाधीश हरियाल कानिया का। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसे जाति, प्रजाति या जनजाति अथवा जाति में समूह या जाति के किसी हिस्से को राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार होता है? दोस्तों अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को घोषित करते हैं भारत के राष्ट्रपति, ये इन्हीं के अधीन होता है, तो उसका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 45, अंतर राज्य परिषद का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? जो इंटरस्टेट काउंसिल है उसका काम कौन सा है? तो दोस्तों इंटरस्टेट जो काउंसिल जल, नदी जल विवाद का निपटारा नहीं करता है, इंटरस्टेट काउंसिल जो हमारे संविधान में दिया है वो है आर्टिकल 263 के अंदर, और अलग से एक काउंसिल बना है वो है आर्टिकल 262 के अंदर, जिसे इंटरस्टेट वाटर काउंसिल के नाम से जाना जाता है। तो ये बिल्कुल भी इसका काम नहीं है। केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने पर वाद विवाद करना, राज्यों के बीच वस्तुओं के ले जाने एवं ले आने से संबंधित विवादों का भी ये निपटारा नहीं करता है। केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने पर वाद विवाद करना है, बिल्कुल सही बात, ये इसी के लिए बना है ताकि केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को सुधारा जा सके, वाद विवाद को सुधारा जा सके। अंतर राज्य सीमा विवादों के निपटारे हेतु फोरम के रूप में कार्य करना बिल्कुल गलत। अंतरराज्य जो राज्य सीमा विवाद होते हैं वो हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के अंदर है। अगर ये सेंटर और स्टेट के बीच हो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच हो तो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में भी ये आ सकता है, तो ये काम बिल्कुल भी इसका नहीं है। तो उसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 46, संगठन का प्रथम संसक्त या सुसंगठित सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो संगठन का जो पहला सिद्धांत है सुसंगठित सिद्धांत, वो माना जाता है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत जो एफ डब्ल्यू टेलर ने दिया है 1911 के अंदर। और दोस्तों अगर इनको क्रम में लगाने के लिए आपसे पूछे तो सबसे पहले आया है आपका नौकरशाही सिद्धांत, दिया है, आया नहीं दिया है, ये 1891 में दिया है मैक्स वेबर ने। उसके बाद वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, ये 1911 के अंदर। उसके बाद मानव संबंध सिद्धांत जो कि एल्टन मेयो ने दिया है 1930 के अंदर, और व्यवस्था सिद्धांत जो कि चेस्टर आई बर्नार्ड और साइमन ने दिया है 1940 के दशक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 47, पंचायतों के लिए संवैधानिक स्वीकृति की मांग करने वाली प्रथम समिति कौन सी थी? प्रथम समिति थी बलवंत राय मेहता जो कि 1957 के अंदर आई थी, इसी ने पहली बार बात की थी कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। उसके बाद 1978 के अंदर अशोक मेहता समिति, संथानम समिति जो बनी थी ये भ्रष्टाचार निवारण के लिए, जीवी के राव समिति 1985 के अंदर बनी थी।
इसने भी पंचायती राज की बात की थी, लेकिन सबसे पहले बात की थी संवैधानिक स्वीकृति की बलवंत राय मेहता ने। क्वेश्चन नंबर 48, अभिकथन दिया है केंद्रीय सेवा अधिकारी अखिल भारतीय सेवा अधिकारी नहीं है, परंतु उनके काम की प्रकृति तथा नियुक्ति की प्रकृति उन्हें सचमुच में अखिल भारतीय विशेषता के रूप में अनुरूप बना देती है। दोस्तों, जो केंद्रीय सेवा अधिकारी होते हैं, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, केंद्रीय अधिकारी बोलते हैं, वो अखिल भारतीय अधिकारी नहीं है। मतलब अखिल भारतीय सेवाएं सिर्फ तीन है, IAS, IFS और IPS, उसके अलावा ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी है। तो कारण में बोल रहा है, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के विपरीत केंद्रीय सेवा अधिकारी राज्यों में काम करते समय राज्य सरकारों के अंतर्गत काम नहीं करते हैं। ये बिल्कुल दोनों ही सही है, असर्शन भी रीजन भी, लेकिन यहाँ पे ये IAS को नीचे डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, यूपीएससी का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, यूपीएससी क्या काम नहीं करता है। संघीय सरकार को भर्ती पद्धति से संबंधित सभी मामलों पर सिविल और सेवा में नियुक्तियों करने में जिन सिद्धांतों का पालन करना है उन पर परामर्श देना, बिल्कुल ये परामर्शदात्री संस्था है, ये परामर्श देती है संघीय सरकार को। पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर सरकार को परामर्श देना, बिल्कुल ये परामर्श देती है। सिविल सेवकों को प्रभावित करने वाले अनुशासन संबंधित मामलों पर सरकार को परामर्श देना, तो ये भी परामर्श देते हैं। सिविल सेवकों के तबादले से संबंधित मामलों पर सरकार को परामर्श देना। दोस्तों, ये जो तबादलों का काम है ना, ये राजनीतिक पार्टियां करती है, अपने हित के लिए भी करती है, कई बार बदला लेने के लिए भी करती है। तो तबादले आपने देखा होगा, ये यूपीएससी इसके लिए सुझाव नहीं देती है। तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 50, उस देश का नाम बताएं जिसने दुरुस्त भर्ती व्यवस्था सबसे पहले विकसित की थी। तो ये सबसे पहले विकसित की थी प्रशिया ने, उसके बाद यूएसए ने भी की थी, चीन ने भी और भारत ने भी। तो सबसे पहले प्रशिया ने ये शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसका वर्णन संपूर्ण लोक कार्मिक संरचना की महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में किया गया है, मतलब बेस क्या है कार्मिक प्रबंध का। तो बेस है भर्ती और चयन। अगर भर्ती और चयन आपका अच्छा हुआ है, आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं जून 2014 के क्वेश्चन पेपर को। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो भर्ती और चयन का बेस क्या होता है, लोक कार्मिक संरचना का बेस क्या होता है, भर्ती और चयन। अगर भर्ती आपने सही तरीके से की है, अच्छे मानकों के आधार पर आपने भर्ती की है, तभी आपका कार्मिक प्रशासन अच्छे से चलेगा। क्वेश्चन नंबर 52, स्पॉयल सिस्टम यह शब्द किस पर प्रयुक्त किया गया है। स्पॉयल सिस्टम दोस्तों एक नौकरशाही का प्रकार है। स्पॉयल सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो पार्टी सत्ता में आती है वो क्या करने लगती है, अपने सगे संबंधियों को उच्च उच्च पद पर स्थापित कर देती है। मतलब ये क्या है, अपने सगे संबंधी रिश्तेदार है, दोस्तों को ये क्या है, उच्च पद देते हैं। इसी को स्पॉयल सिस्टम कहा जाता है, जो कि अमेरिका के अंदर है। अमेरिका के अंदर आपने देखा होगा, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप क्या है सत्ता में आते हैं, वो अपनी बेटी को क्या है उच्च पद पर बैठा देते हैं, अपनी पत्नी को बैठा देते हैं, अपने दोस्तों को उच्च पद दे देते हैं। तो ये है संरक्षक नौकरशाही का उदाहरण, स्पॉयल सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 53, नवलोक प्रशासन के उद्भव और विकास में निम्नलिखित युग प्रवर्तन घटनाओं को कालानुक्रम करना है कि कौन सी घटना कब हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले है मिन्नो ब्रुक सम्मेलन। मिन्नो ब्रुक जो सम्मेलन हुआ है, ये हुआ है 1968 के अंदर, 1968 के अंदर हुआ है मिन्नो ब्रुक सम्मेलन। उसके बाद लोक सेवा के लिए उच्च शिक्षा पर
हनी रिपोर्ट आती है 1966-67 के अंदर, लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार पर फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस होती है 67 में, ये बिल्कुल हनी रिपोर्ट के बाद होती है 1967 में। टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिन्नो ब्रुक पर्सपेक्टिव का प्रकाशन किया जाता है 1972 के अंदर फ्रेंच मैरिनी के द्वारा। तो इसका सही क्रम क्या होगा, 2-3-1-4, 2-3-1-4, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 54, उपागम के रूप में विकास प्रशासन पर निम्नलिखित में से किसने जोर दिया, यानी विकास प्रशासन अप्रोच का किसने विकास किया। दोस्तों इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है एफडब्ल्यू रिक्स के ऊपर, एफडब्ल्यू रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है विकास प्रशासन के लिए, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। विडनर ने विकास प्रशासन को गोल ओरिएंटेड एंड चेंज ओरिएंटेड बोला है, और हेडी और फेंसोर्ड भी महत्वपूर्ण चिंतक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ए बी सी डी चारों ये महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक अधिकार भारत में सिविल सेवक को उपलब्ध नहीं है। दोस्तों जो सिविल सेवक है इन्हें राजनीतिक विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं है। राजनीतिक विचार पर्सनल लेवल पे तो कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट पे रह के कि डीसी बोलने लगे नहीं मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूं, तो ये बिल्कुल भी इन्हें अधिकार नहीं है। राजनीतिक आंदोलन को समर्थन देना, बिल्कुल ये राजनीतिक आंदोलन को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकते हैं। जब इनकी भर्ती होती है तो उसी टाइम इनसे शपथ पत्र लिया जाता है। राजनीतिक दल को ये वित्तीय योगदान नहीं दे सकते हैं, लेकिन लेकिन इन्हें क्या है, राजकीय तथा राष्ट्रीय चुनाव में मतदान करने का अधिकार होता है, तो 1-2-3 अधिकार इन्हें नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहां पे सी। क्वेश्चन नंबर 56, संगठन का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, कि संगठन किस सिद्धांत के आधार पर नहीं बनते हैं। तो सोपान के आधार पे बनते हैं, हायरार्की के आधार पे बनते हैं, नियंत्रण की सीमा भी इसमें होती है और एकीकरण भी इसमें होता है, लेकिन सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत संगठन के अंदर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 57, लोक प्रशासन के सीमा क्षेत्र को प्रशासनिक सिद्धांत और अनुप्रयुक्त सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसने विभाजित किया, ये विभाजित किया था एच वॉकर ने, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार्य सृजित करते हैं, यह कथन किसका है, यह कथन है पार्किंसंस का, ठीक है, पार्किंसन का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 59, सूचना के अधिकार को प्रवर्तित करने वाला प्रथम देश कौन सा है। दोस्तों ये है स्वीडन, और जो सूचना का अधिकार है ये स्कैंडिनेवियन कंट्री जितनी भी है, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, वहां से आता है। स्वीडन ने इसे 1776 के अंदर लागू किया था और भारत ने 2005 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य आपने पहचाना है, प्रत्येक संसद दिवस का पहला घंटा प्रश्नों के लिए आरक्षित होता है, बिल्कुल सही, पहला घंटा प्रश्नकाल होता है। शून्यकाल, जीरो आवर, संसदीय प्रथा के क्षेत्र में प्रारूपी भारतीय नव प्रवर्तन है, बिल्कुल सही है। नव लोक प्रशासन अद्वितीय रूप से अमेरिकन परिघटना है। दोस्तों नव लोक प्रशासन अमेरिकन परिघटना नहीं है, इसके नव लोक प्रशासन में यूरोप का भी उतना ही योगदान है, तो सी यहां पे बिल्कुल गलत है। प्रशासनिक क्रियाओं पर न्यायिक नियंत्रण नरसैंगिक नियम से निकला है, नरसैंगिक का मतलब है प्राकृतिक नियम से निकला, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 61, यहां पे नारीवादी चिंतक दिए हैं और नारीवादी उपागम दिए हैं कि किस चिंतक ने कौन सा उपागम दिया है। तो सबसे पहले देखिए क्रिटिकल सिद्धांत, क्रिटिकल जो थ्योरी दी है वो दी है सांड्रा व्हाइटवर्थ ने। उसके बाद सामाजिक निर्माणवाद की बात करती हैं एलिजा बेथ प्रूगल, और उत्तर संरचनावाद की समर्थक है चार्लोट हुपर,
चार्लोट हूपर और उत्तर उपनिवेशवाद की बात करती है चंद्रा मोहंती, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3142, डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, वैश्वीकरण निम्नलिखित में से किसे सूचित करता है, यानी वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या है वो आपको बतानी है। समय स्थान संपीड्य, समय स्थान संपीड्य का मतलब क्या है, वैश्वीकरण के कारण क्या हो गया है, समय और स्थान में क्या हो गया है, वो इकट्ठा हो गया है। अब आप अमेरिका में चुटकी में उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तो बिल्कुल सही। विश्व अर्थव्यवस्था का भी एकीकरण हुआ है, सारे देश एक साथ एकजुट हो गए हैं आर्थिक रूप से। लोगों के बीच अधिक क्षेत्रीय संबंधों में भी वृद्धि हुई है, यानी कि ये सारे के सारे सारी की सारी विशेषताएं हैं वैश्वीकरण की, तो इसका करेक्ट आंसर डी है। यह किसने कहा है, अहम स्थितियों में फिर भी राज्यों का परम सरोकार सत्ता के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए है। दोस्तों ये डिफेंसिव रियलिज्म की बात कर रहे हैं, और डिफेंसिव रियलिज्म की बात करते हैं केनेथ वॉल्ट्ज। जॉन मर्शाइमर इससे अपोजिट है, इन्होंने ऑफेंसिव रियलिज्म की बात की है, और केनेथ वॉल्ट्ज नियो रियलिस्ट है, इन्हें स्ट्रक्चरल रियलिस्ट भी कहा जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी है, केनेथ वॉल्ट्ज। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का संस्थानिक वादी उपागम निम्नलिखित में से किसने दिया है, मतलब किससे लिया जाता है, किन सिद्धांतों से लिया जाता है, ये लिया जाता है डेलीगेशन और एजेंसी थ्योरी से, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 65, मोरावसिक के नव उदारवाद पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय कानून की तीन स्तरीय धारणा का प्रस्ताव किसने दिया, ये दिया था S.A.M. स्लोटर ने, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 66, सेमिनल रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस 1992 द्वारा अनुशासित प्रक्रिया का सही क्रम आपने बताना है। ये 1992 में सेमिनल रिपोर्ट आई है कि कैसे हम शांति को स्थापित कर सकते हैं, तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आपको निरोधक राजनय या कूटनीति यानी प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी को अपनाना है। आपकी डिप्लोमेसी इस प्रकार की होनी चाहिए कि डिप्लोमेसी इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कि शांति स्थापित हो सके। उसके बाद क्या है, पीस मेकिंग का काम करना पड़ेगा। पीस मेकिंग किसी देश में कैसे की जाती है, इकोनॉमिक सपोर्ट दिया जाएगा देश को, जब पीस मेकिंग का काम हो जाएगा तो पीस कीपिंग का काम किया जाना, यानी उसको बरकरार रखना पड़ेगा, और उससे क्या होगा, शांति निर्माण हो जाएगा, तो ये है पूरा का पूरा क्रम, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, किसने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट ना सिर्फ सुपर पावर बल्कि हाइपर पावर भी है, तो ये बात की है हुबर्ट वेदराइन ने, और हुबर्ट वेदराइन आपको पता ही है ये बहुत ही बड़े क्रिटिकल है अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर 68, यहां पे सूची एक को सूची दो से मिलाना है, जो डिफरेंट डिफरेंट कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंसेस हुई है, तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे रियो डी जेनेरियो जो 1992 में हुई थी, ये पर्यावरण से संबंधित हुई थी, और इसमें ओजोन लेयर डिप्लेशन और जो टेम्परेचर जो पृथ्वी का बढ़ रहा है उससे रिलेटेड इसके अंदर क्या है, निर्णय लिए गए थे। उसके बाद वियना के अंदर जो 1993 में कॉन्फ्रेंस हुई है वो हुई है मानवाधिकार को लेके, वियना कॉन्फ्रेंस। केरो कॉन्फ्रेंस हुई है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, और बीजिंग कॉन्फ्रेंस 1995 में हुई है महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, तो ये था इसका सही क्रम, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। डी इज इस करंट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, बे ऑफ पिग शीत युद्ध के दौरान किस संकट से संबंधित है। दोस्तों जो ये बे ऑफ पिग्स है ये क्यूबन मिसाइल संकट से संबंधित है। क्यूबन मिसाइल संकट 1960 में आया था, इसमें क्या हुआ था, यूएसएसआर ने अपनी मिसाइलें स्थापित कर दी थी यूएसए के समीप, और उससे शीत युद्ध हॉट युद्ध में बदलने की पूरी पूरी संभावना बनी थी। क्वेश्चन नंबर 70, काली विधवाएं ब्लैक विडोज महिला आतंकवादी
किस देश से है, तो ये है चेचन्या से, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 71, पर्यावरण पर निम्नलिखित संधियों को सही आरोही क्रम पे आपको लगाना है कि कौन सी संधि कब हुई है। तो सबसे पहले आर्कटिक संधि हुई है, ये हुई है 1961 के अंदर। उसके बाद यूएन का समुद्री कानून बनता है जो कि बना है 1982 के अंदर। उसके बाद आती है आपकी क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो सीएफसी को घटाने के लिए आई थी, ये आई थी 1997 के अंदर। और जेब सुरक्षा पर कार्टोजीना प्रोटोकॉल हुआ है 2003 के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 3, 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 72, इसमें लेखक दिए हैं और उनकी पुस्तक दी है, लेखकों को पुस्तक के साथ मैच करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे है एस डी मुनि ने क्या लिखी है, पैंग्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी। उसके बाद आपका उर्मिला फडनीस ने लिखी है क्रॉसिंग द रूबिकॉन, और ये सी राजमोहन ने लिखी है क्रॉसिंग द रूबिकॉन, और उर्मिला फडनीस ने लिखी है एथनिसिटी एंड नेशन बिल्डिंग इन साउथ एशिया, और जे एन दीक्षित ने लिखी है एनाटॉमी ऑफ अ फ्लॉड इनहेरेंट इंडो पाक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, 3, 1, 4, 2। क्वेश्चन नंबर 73, एशिया के साथ भारत का मिलन वचनबद्धता की कल्पना स्पष्ट अभिव्यक्त किया गया था, यह किसने स्पष्ट बताया है, यह स्पष्ट बताया है जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ पे अभिकथन दिया है नेहरू के भारत को एशिया में अपनी वैध भूमिका अदा करने से रोकने वाले कारक और शक्तियां या तो एक सीमा तक कम हो गए हैं या पुनः परिभाषित किए गए हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि एशिया के अंदर क्या है, भारत की जो है वो बदल चुकी है, मतलब भारत की जो भूमिका है वो बदल चुकी है, अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने की कोशिश करने के लिए शीत युद्ध का अंत और भारत के लिए सामरिक जगह का विस्तार व्यापक हो गया है। बिल्कुल सही, भूमिका बिल्कुल बदल चुकी है क्योंकि शीत युद्ध के बाद सामरिक जो जगत है वो बिल्कुल बदल चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 75, शांति के क्षेत्र के रूप में भारतीय महासागर पर घोषणा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली प्रस्ताव 2832 कब अंगीकृत किया गया है, यह अंगीकृत किया गया है 1972 के अंदर। तो दोस्तों ये था जून 2014 का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।